आजकल दुनिया में दो बातें चल रही है, पहला है पॉलिटिक्स एंड दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। Gates is warning of the risks of artificial intelligence. I believe that there will be far greater jobs. And they see the possibility and they see the ways this can help them, this can inspire them, this can help people. We understand that people are anxious about how it could change the way we live. I believe that there will be far greater jobs. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. कुछ इतना बड़ा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। पहले हमें एआई के बारे में जरा सी भी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुनते ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एक डर सा बन जाता है अब क्या होगा हमारा। आज युवा टेंशन में है कि हमें जॉब मिलेगी भी या हम बेरोजगार रह जाएंगे। एआई इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है जिस तरह से कोरोना ने अपनी रफ्तार पूरी दुनिया में दिखाई थी। एआई की रफ्तार तो बहुत फास्ट है, मगर आपके इस चैनल की सब्सक्राइबर की रफ्तार थोड़ी स्लो है। सो अगर आप भी इंटरेस्ट रखते हैं ये जानने में कि दुनिया में बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, सो अभी इस चैनल के सब्सक्राइब बटन को अपने प्यारे उंगली से टच करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिस तरह से कोरोना ने लोगों को इम्पैक्ट किया था, उसी तरह से एआई भी लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, आने वाले दिनों में एआई 300 मिलियन जॉब्स को खा जाएगी, अपने अंदर समा लेगी। एआई इंसान के लिए जितनी अच्छी है उतनी खतरनाक भी, कुछ कंट्री ने तो इसे बैन भी किया है। जिस काम को करने में हमें घंटों का वक्त लगता है, उसी काम को एआई मात्र मिनटों में कर देता है। एक आर्टिस्ट को एक आर्ट डिजाइन करने में कई दिनों का टाइम लगता है, पर एआई लाइक मिडजर्नी एक आर्टिस्ट से बेटर डिजाइन 10 सेकंड में बना देता है। जिस कोड को लिखने में एक कोडर को घंटों का टाइम लगता है, उसी कोड को चैट जीपीटी मिनटों में लिख देता है। आप मानो या ना मानो, मगर एआई इंसान से लाख गुना आगे है। एक बात अपने माइंड में रख लो कि आप एक इंसान हो और एआई एक मशीन है, और मशीन में कितनी पावर होती है वो तो आप अच्छी तरह से जानते हो। जिस तरह की एआई अभी आप देख रहे हो, समझो 90s का नोकिया का फोन आप चला रहे हो, उसमें गेम खेल रहे हो सांप वाला। अभी तो स्क्रीन टच वाला मोबाइल आना बाकी है, अभी डबल स्क्रीन वाला मोबाइल आना बाकी है। जिस तरह से आज जीएफ से भी ज्यादा जरूरी आपका मोबाइल है, उसी तरह से आने वाले फ्यूचर में एआई के साथ होगा। जिस तरह से मोबाइल के बिना आप आज नहीं रह सकते, उसी तरह से फ्यूचर में एआई के बिना आप नहीं रह सकते। एआई को आप नहीं बल्कि एआई आपको चलाएगा। एक दिन में यूट्यूब पर कितनी ऐसी वीडियो पर आप क्लिक कर देते हो जो आपके काम का एकदम नहीं है, आपके गोल से दूर दूर तक उसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो एआई आपसे उस वीडियो पर क्लिक करवा दे रही है। ये सब एआई का कमाल है। एआई आपके बारे में जितना अच्छे से जानता है, उतना अच्छे से शायद आप अपने आप को भी नहीं जानते। एआई को पता है कि मॉर्निंग में आपको कौन सी वीडियो दिखानी है, एआई को पता है कि आधी रात को कौन सी वीडियो दिखानी है। बेसिकली एआई से हम इतने ज़्यादा घिरे हुए हैं कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते और न ही इससे बाहर निकल सकते हैं। ये हमारी ज़रूरत बन गई है। दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है ये डिसाइड होता है कि वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी क्या कर रही है आजकल, वो कौन से प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। गूगल ने हाल ही में PaLM 2 लॉन्च किया है। पाम PaLM एक लैंग्वेज मॉडल है जिसे गूगल रिसर्च टीम ने डेवलप किया है। ये एक ऐसा लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत बड़े टेक्स्ट डेटा को अंडरस्टैंड करता है और हाई क्वालिटी नेचुरल डेटा प्रोड्यूस करता है, लाइक क्वेश्चन आंसर, समराइजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अकॉर्डिंग टू गूगल, PaLM अब तक का सबसे पावरफुल लैंग्वेज है। एआई की बात हो और एलोन मस्क की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एलोन मस्क जिन्होंने एआई को पॉज करने के लिए कहा, वो अब अपनी कंपनी बना डाला और एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, दैट कॉल्ड TrueGPT। अब एलोन मस्क ने ये TrueGPT क्यों स्टार्ट किया? अभी अगर हम कई सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लाइक ChatGPT की बात करें, तो ये 100% करेक्ट डेटा आपको नहीं देती है। इसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर आपको मिलेगी, और करंट में जो है उसका तो डेटा मिलता ही नहीं है। तो एलोन मस्क ने कहा हम इससे बहुत आगे रहेंगे। एलोन मस्क के प्रोजेक्ट का नाम है TrueGPT, यानी इसका नाम ही है TrueGPT, यानी उसमें जो भी डेटा बताया जाएगा वो 100% ट्रू होगा, 100% नहीं तो 99.99999% ट्रू होगा। एलोन मस्क ने एआई का इस्तेमाल अपनी कार टेस्ला में भी करना चालू कर दिया है, लाइक कार अपने आप
रोड के अकॉर्डिंग अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। आपको हैंडल पकड़ने की जरूरत नहीं है, एआई के जरिए ये अपने आप काम हो जाएगा। ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी को जन्म दिया, अब इमेज जीपीटी पर काम कर रहा है। इमेज जीपीटी एक ऐसा एआई होगा जिसमें आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से इमेज बना पाओगे। जिस इमेज को बनाने में एक आर्टिस्ट को घंटों का समय लगता है, हफ्तों का समय लगता है, महीनों का समय लगता है, वो आप मात्र कुछ सेकंड में बना पाओगे, वो भी उसको केवल टेक्स्ट का कमांड देकर। जब सब अपने अपने एआई पर काम कर रहे थे तो गूगल पीछे क्यों रहता? सुंदर पिचाई का खुराफाती दिमाग और इन्होंने लॉन्च किया गूगल बार्ड, जो चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया। चैट जीपीटी का बाप निकला। बेसिकली दुनिया में सबसे पहले बाप आता है, फिर बेटा आता है, मगर एआई वर्ल्ड में पहले चैट जीपीटी बेटा आया और फिर उसका बाप गूगल बार्ड आया। आप मानते हो कि नहीं गूगल बार्ड चैट जीपीटी का बाप है या नहीं, आप कमेंट में बता सकते हो। फिलहाल मैं कई दिनों से बार्ड यूज कर रहा हूँ और इसका एक्सपीरियंस मुझे चैट जीपीटी से कई गुना अच्छा लगा। आपको क्या आपने बार्ड का यूज किया है? अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है आप कमेंट में बता सकते हो। चैट जीपीटी जो कि 2021 की डेटा को ही रिप्रेजेंट करती है, वहीं गूगल बार्ड अभी जो करंट में हुआ है वो भी आपको बताएगा, वो भी 100% करेक्ट। आजकल दुनिया में दो ही चीजों की कीमत है, पहली जमीनों की और दूसरी मशीनों की। मुझे नहीं पता कि आने वाली दुनिया कैसी होने वाली है, मगर ये जरूर पता है कि इस दुनिया में बहुत सारी चीजें एआई की वजह से चेंज होने वाली है। हमारा कंटेंट कंज्यूम करना, रहने का तरीका, हमारे जॉब करने का तरीका, हमारे डेली लाइफ में रहने का तरीका, ये बिल्कुल आने वाले दिनों में चेंज होने वाला है। आने वाले दिनों में एआई कई इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करने वाली है, लाइक हेल्थ केयर। एआई आपके बॉडी को स्कैन करेगी और 5 सेकंड के अंदर बता देगी कि आपको कौन सी बीमारी है, कितने दिनों से है, आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और इस ट्रीटमेंट को अगर आप सही ढंग से फॉलो करते हो तो कितने दिनों में आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। AI also impact manufacturing। मैन्युफैक्चरिंग में जो भी मशीन अभी यूज हो रही है, AI की वजह से उनका काम और भी परफेक्ट एंड फास्ट हो जाएगा। AI यहाँ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये एग्रीकल्चर यानी खेती में भी बहुत हेल्प करेगा। AI मिट्टी को एनालाइज कर बता देगा कि इस मिट्टी में फसल होगी या नहीं। AI बता देगा कि इस मिट्टी में कौन सा बीज बोना चाहिए कि ज्यादा आउटपुट निकल के आए। अब मानो या ना मानो, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं उससे कई ज्यादा तेजी से AI इस दुनिया को घेर रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत फास्टली AI पर काम कर रही है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए मैन, एज ए पर्सन, आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखो AI के बारे में, और उसके लिए आप मेरे इस द बिलियनर रेस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे आप अपडेटेड रहो कि बिजनेस वर्ल्ड में आजकल क्या चल रहा है। सो बी अपडेटेड, बी इन्फॉर्म्ड एंड बी सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।